और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बसपा के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जयराम रमेश ने कहा बीजेपी को हराने के लिए साथ आए मायावती। उन्होंने मायावती से अपील भी की है और उन्होंने कहा है कि बसपा के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश जी हैं, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए मुरादाबाद पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद यात्रा शुरू हो जाएगी। सर, किस तरह का आज उम्मीद कर रहे हैं मुरादाबाद में, क्योंकि प्रियंका गांधी भी आज शामिल होंगी राहुल जी के साथ में? नहीं, आज तो काफ़ी व्यस्त दिन है, क्योंकि मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और रात को हम बुलंदशहर में रुकेंगे। कल अलीगढ़, हाथरस और आगरा का कार्यक्रम है। आज प्रियंका जी भी शामिल होंगी और कल हम उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश जी भी शामिल होंगे, क्योंकि हमारे गठबंधन को तो अंतिम रूप दिया गया है। और आज हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हुआ है, किसान संगठनों की मांग की है, 3 साल से मांग कर आ रहे हैं, सरकार मोदी सरकार ने उसका नज़रअंदाज किया। पर इस बीच कांग्रेस पार्टी, राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय और खड़गे जी भी ने ये गारंटी दी है, आश्वासन दिया है, ये वादा किया है कि MSP को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और जो स्वामीनाथन फार्मूला है, यानी कि विस्तृत खेती की लागत को 1.5 गुना स्तर पर MSP तय किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कांग्रेस नेताओं में मैंने देखी कल से कि कई जगह पे कांग्रेस नेता ये चाहते थे सीटें और ज़्यादा मिले गठबंधन में, मतलब 17 से ज़्यादा मिले, जैसे सलमान खुर्शीद हैं वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। हमेशा मायूसी रहती है। अच्छा, गठबंधन का यही है ना, गठबंधन की वास्तविकता क्या है कि हमें कुछ लेना है, हमें कुछ देना है, कुछ कोई खुश नहीं होता ऐसे गठबंधन से, कोई खुश नहीं होता। पर एक संतुलित नाखुशी होनी चाहिए। संतुलित खुशी नहीं हो सकती है, पर संतुलित नाखुशी हो सकती है। हम भी चाहते थे और सीटें बड़े, समाजवादी चंद्रशेखर आजाद जी को 1 सीट मिला है, वो भी चाहते होंगे मुझे 3 सीट मिले, तो ये सब ठीक है। पर गठबंधन होना ज़रूरी था और ये इसको अंतिम रूप देना और इसकी को जल्द से जल्द घोषणा करना बहुत ज़रूरी था। चर्चाएं कि मायावती भी आचार संहिता लगने के बाद आ सकती हैं, तो क्या कुछ उम्मीद लग रही है? हमारे जो प्रभारी हैं यहाँ के, अविनाश पांडे जी ने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर आपका मकसद है BJP को हराना, जी, इंडिया गठबंधन आपके दरवाजे सबको खुले हैं। पर अगर आप बीजेपी के साथ बोली में आप कहते हैं मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, पर जो करनी में आप बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो मुश्किल होता है। पर जो कोई दल चाहता है कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाएं, बीजेपी को हराएं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें भारी मात्रा में घटाएं, तो अविनाश पांडे जी ने भी कहा है कि सबका स्वागत है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर कांग्रेस नेता ने बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए खुला ऑफर रखा है कि अगर आप भाजपा को हराना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन में आइए, और उसके लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। उबैदुर्रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। तो सुना आपने जिस तरीके से पूरी बातचीत हुई, कहा गया कि बसपा चाहे तो आ सकती है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।